आज हम बनाएंगे मैंगो सूजी हलवा या फिर मैंगो शीरा। रिच मैंगो के फ्लेवर की वजह से काफी टेस्टी बनता है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमें लगेगी 3/4 कप शक्कर, थोड़े से रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स इसे बारीक काट लेना है, 1.5 कप सूजी ली है मैंने, मैंगो के पीसेस लिए है और थोड़ा सा पल्प भी लिया है, 1/4 कप घी ली है। चलिए बनाते हैं अभी हम मैंगो शीरा। सबसे पहले हमें हीट करना है घी, इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे और 3 कप दूध हम उबालने के लिए रख देंगे। घी मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे सूजी और इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें केला भी डाल सकते हो। साइड में हमारा दूध भी उबल रहा है तो उसे हम थोड़ा सा अच्छे से स्टर कर लेंगे। सूजी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है तब हम इसमें डालेंगे हमारा थोड़ा सा मैंगो पल्प। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैंगो पल्प डाला है। आप इसमें मैंगो के पीसेस भी डाल सकते हो अगर आपको पल्प नहीं डालना है, या फिर पूरा मैंगो का पल्प भी आप डाल सकते हो। मैं इसमें दोनों डालना प्रेफर करती हूँ क्योंकि पल्प की वजह से इसको थोड़ा सा कलर आ जाता है और मैंगो के पीसेस की वजह से खाते समय काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। इसे रोस्ट करते समय आपको काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा घी का, मैंगो का। अब हम इसमें डालेंगे उबलता हुआ दूध। हमें थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें डालना है और इसे मिक्स करते रहना है। सूजी ने मिल्क एब्जॉर्ब कर लिया है और ये सूजी काफ़ी फूल गई है। फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है मैंने, ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये मैंगो के फ्लेवर के साथ थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। फिर हम इसमें डालेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल रेडी है हमारा मैंगो सूजी हलवा। आप देख सकते हो उसे काफ़ी अच्छा कलर आया है, दिखने में ही नहीं ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है। घी, मैंगो और दूध की वजह से इसको काफ़ी रिच फ्लेवर आया है। आम के सीजन में इसे बनाना तो ज़रूर बनता है, तो इसे ज़रूर बनाइए और आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।